जी, जैसे अभी ये ग्रीन पार्क सोसाइटी और मक्काव सोसाइटी के सामने जो मीरागांव स्टेशन का मेट्रो का काम चल रहा है, ये तकरीबन एक साल से चल रहा है और मैं यहाँ ग्रीन पार्क सोसाइटी का चेयरमैन हूँ। हमारे आजू बाजू मक्काव सोसाइटी के जिम्मेदार मेंबर्स है। हम पिछले एक साल से देख रहे हैं लापरवाही तरीके से इनका काम चल रहा है और रात बेरात पब्लिक न्यूसेंस हो रही है। कई मर्तबा हमने काशीमीरा पुलिस स्टेशन में एनसी कंप्लेंट की, इनकी वरिष्ठ को हमने रिक्वेस्ट किया, कंप्लेंट किया, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। और आज देखा जा रहा है कि उनके खुद के डिपार्टमेंट के आदमी की बेरहमी से आज जान चली गई है या वो सीरियस तड़प रहा है, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। तो जो मेट्रो, जो डिपार्टमेंट अपने खुद के लोगों के, अपने खुद के डिपार्टमेंट के आदमी की सुरक्षा नहीं कर सकता है, वो हमारे आम आदमी की क्या सुरक्षा करेगा। और आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये ग्रीन पार्क मरकज़, ग्रीन पार्क मस्जिद है जिसमें रोज़ का 500 से 1000 पब्लिक आती है, जुम्मा के वक्त हज़ारों लोग आते हैं। इसी तरीके से लापरवाही चलेगी तो हमारे आगे जानों माल को बहुत नुकसान है। रास्ते के बीच में 20 फीट खड्डा मारे और ना बैरिकेड वगैरह, और यहाँ से बच्चे हमारे स्कूल जाते सब, उनके जान को खतरा, पता नहीं चलेगा, कभी भी गिर सकते हैं। और ऊपर एक बार कंप्लेन दिए थे, ऊपर से सामान गिर के एक बच्चे को चोट भी लगी थी, उसकी भी हम लोग ने कंप्लेन दर्ज किए थे कि भाई उसको चोट निकला, खून निकला था, कितना वो सीरियस था, लेकिन वो चीज़ की विदाउट सेफ्टी प्रिकॉशन के सब वो लोग काम कर रहे हैं इधर पे। और मैं यहाँ मक्का हाउस में ही रहता हूँ। ये टोटल नेग्लिजेंस है और जो आज डेथ हुई है और इतना जानमाल को जो नुकसान हुआ है वो इनकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। और आज रात में या कल सुबह में हम इनकी एक कंप्लेंट करेंगे नेग्लिजेंस की, और इसके बाद में हम कोर्ट में भी इनका केस फाइल करेंगे और हम हाईकोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि ये नेग्लिजेंस है। आज एक आदमी की जान का नुकसान हो गया है, कल और भी जानों का नुकसान हो सकता है, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो गलत है वो बिल्कुल गलत है। नीचे ब्रिज जो बन रहा है, ऊपर से हवे का जो ब्रिज चालू है, नीचे काम चल रहा था, उसके नीचे कम से कम 2 से 2.5 मीटर नीचे डीप है और उसके नीचे पोकल माटी है। कोई इसमें डंपिंग नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, कोई निर्वट सोलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना स्टील है उसके अंदर। और बाई चांस इसके अंदर अभी फिलहाल दो ब्रिज का जो कॉलम, मेन फाउंडेशन, दो ब्रिज का दो कॉलम आता है, दोनों का फाउंडेशन नीचे से पोकल दिख रहा है, उसका नीचे कम से कम मिट्टी दिस चुकी है, उसका आगे जाके कॉल ब्रिज को भी नुकसान हो सकता है। हुआ या उसी की वजह से हो, क्यों नीचे रबर सोलिंग नहीं है, कॉन्क्रीट नहीं है, स्टील बराबर नहीं है, इसकी वजह से दलदल हो। पाइलिंग है मगर नीचे दलदल है, उसके लिए रबर सोलिंग जो होता है नीचे मटेरियल बराबर इस्तेमाल नहीं किया। डंपिंग जो होता है, ब्रिज बनता है, रोड बनती है, उसके पहले रबर सोलिंग होती है, पत्थर होता है, उसका चेकिंग होता है, उसके बाद इसका होता है। ये फाउंडेशन कच्चा पड़ा, अभी इसके बाजू में दो कॉलम है, उसका कोई भरोसा नहीं, ब्रिज कभी भी ये कॉलम सटक सकता है। ये मेट्रो स्टेशन का काम पिछले 3 साल से यहाँ पर चल रहा है और पिछले 3 साल में से अब तक मेरी नज़र में, मैंने अपनी इन आँखों से देखा हुआ है, 3 हादसे बड़े बड़े। बाजू में समाधान होटल है, वहाँ का एक छोटा सा वर्कर सुबह पैदल यहाँ से अपने ड्यूटी पर जा रहा था, ऊपर से एक RCC का ब्लॉक गिरा, उसके सर पे मार लगी, उसके नाम पर भी अभी भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट है। और इस केस को पूरा जो हैंडल करने वाले थे वो ऑफिसर का नाम है सोहेल पठान, जो सीनियर ऑफिसर है काशीमीरा पुलिस स्टेशन में। इससे पहले हमने और हमारे एक फिरोज भाई BST में जो एम्प्लॉई है, हम दोनों ने मिल करके वो सारी कंप्लेंट सबमिट किए। हम लोग हॉस्पिटल तक जाकर के आए, हमारे यहाँ पर एक संस्था चलती है फाउंडेशन, हम लोग 3-4 लोग मिल करके कुछ फ्रूट्स लेकर के गए और उसकी कारगुजारी सुनने के लिए, भाई तेरे साथ हादसा कैसे हुआ। बोले मैं यहाँ से जा रहा था, मेरे सर पर ब्लॉक गिरा। इसके पहले ये RCC का जो काम चल रहा है, इससे पहले यहाँ पर एक ऑटो रिक्शा वाला भी गिर चुका है। इससे पहले बारिश के अंदर 3 बाइक वाले एक साथ जगह पर गिरे। यहाँ के जो सेफ्टी इंचार्ज है वहाँ पर, हम लोगों ने राइटिंग में कितनी बार कंप्लेंट की है, MMRDA को कंप्लेंट की है, BMC को कंप्लेंट की है, यहाँ का ऑफिसर हमको क्या बोलता है कि तुमको जो करना है तुम लोग कर लो, तुमसे जो बनता है। फिर हम लोगों ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है, सोहेल पठान को हम हमारी निगरानी में हमारे साथ हम लोग यहाँ तक लेकर के आए और पूरी कंप्लेंट हमने आगे से लेकर के अब तक, हमने कितने अब तक कंप्लेंट फाइल कर चुके हम लोग इसके बारे में। ये हादसे हो रहे दिन ब दिन, यहाँ पर रात रात भर काम चालू, ये काम चलता है यहाँ पर बगैर किसी सेफ्टी ऑफिसर के, बगैर किसी सेफ्टी प्रोकेशन के, यहाँ पर रात रात भर काम चलता है, यहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं है। हमारे यहाँ पर एक धार्मिक स्थल है, यहाँ पर मस्जिद है, यहाँ पर दो दो बड़ी बड़ी सोसाइटी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जब काम चलता है यहाँ पर, तो बड़ी बड़ी यहाँ पर वो लोखंड की पाइप रखी हुई बीच में रास्ते में, और बड़ी बड़ी इनकी मशीन और इनकी मिक्सचर की गाड़ियाँ सारी ये बीच में। मैं 1 बजे रात को रिटर्न किसी काम से मैं लेट हो गया, उस दिन मैं रात को यहाँ पर आया, एक मिक्सचर की गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, एक क्रेन यहाँ पर खड़ी है, एक सोसाइटी का यहाँ पर ऑलरेडी पहले से कोई यहाँ पर कोई मसला चल रहा है इनका। तो इतनी सारी कंप्लेंट करने के बाद आज तक नहीं हुई, और आज इन्हीं लोगों के साथ में ये हादसा हुआ बड़ा, तो आज लोग आए और आज हमारी सुनवाई हुई। इसलिए MMRDA का काम नहीं है, जय कुमार का काम है, और वो लोग प्रिकॉशन तो रखते हैं, लेकिन एक्सीडेंट बोलते हैं ना, एक्सीडेंट हो गया अभी, उसको कुछ कोई कोई नहीं कर सकता, कोशिश तो कर रहे सब लोग बचाने की,
पूरा मुंशी कंपाउंड पूरा इलाका आ गया है और ये भी क्रेन वगैरह भी आए हैं, कोशिश कर रहे निकालने की लेकिन मुश्किल हो रहा है बहुत। कितने लोग अभी कुछ ड्राइवर और क्लीनर है जो मिक्सर में थे ना, वही लोग अंदर है अभी। इसके अलावा कोई और नहीं, और कोई नहीं।